अगर हम इस बातों को समझे तो जो कर सकते हैं, सब नहीं कर पाएंगे हम समझ सकते हैं, लेकिन जो कर सकते हैं उनको करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये नेतृत्व का काम होता है, किसी भी दल का हो, उससे लोगों का भला होने वाला है। अभी मुझे कोई बता रहा था, एक सब्जी वाले ने शुरू किया, कल ही कोई मुझे रिपोर्ट देके गया, उसको पूछा तेरा क्या फायदा है, बोले साहब पहले क्या होता था, एक तो मेरे ग्राहक परमानेंट थे, सबको मैं जानता था, अब मान लीजिए 52 रुपीज का सब्जी लिया तो फिर वो मैडम कहती थी चलिए जेब और पैसे नहीं 50 रुपये का नोट ले लो, तो बोले मेरे 2 रुपये चले जाते थे, अब मैं भी बोल नहीं पाता था, और बोले मैं लगाता था हिसाब तो साल भर में मेरा 800-1000 रुपया ये रुपया 2 रुपया न देने में ही हो जाता था, बोले इसके कारण भीम ऐप लगाने के बाद 52 रुपया है तो 52 रुपया मिलता है, 53 रुपया है तो 53 मिलता है, 48 रुपीज 45 पैसा है तो पूरा मिलता है, बोले मेरा तो 800-1000 रुपया बच गया। देखिए चीजें कैसे बदलती है, और इसलिए हम कम से कम, आप मोदी का विरोध करें कोई बात नहीं, आपका काम भी है, करना भी चाहिए, लेकिन जो अच्छी चीज है उसको आगे बढ़ाए, जहां है मान लीजिए गांव में नहीं है शहरों में है तो आगे तो बढ़ाओ भाई, उसको योगदान करो, देश का भला होगा, हम और किसी व्यक्ति का भला नहीं है, और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी चीजों में हम मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए। कार्य संस्कृति कैसे बदलती है, अब ये रोड बनाना क्या हमारे आने के बाद हुआ क्या, ये टोडरमल के जमाने से चल रहा है, शेरशाह सूरी के जमाने से चल रहा है, तो ये कहना कि ये तो हमारे जमाने से था, हमारे जमाने से था, कहां कहां जाओगे भाई, लेकिन फर्क क्या है, पिछली सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रतिदिन 69 किलोमीटर होती थी, हमारे आने के बाद 111 किलोमीटर होती है, ये फर्क। और हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है, हमने रेलवे में ड्रोन का उपयोग किया है, फोटोग्राफी करते हैं, काम का हिसाब लेते हैं, कार्य संस्कृति टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नामों को जोड़ करके उसका जो उपयोग हुआ हुआ, लेकिन फिर भी आपके समय में एक साल में 10,83,000 घर बनते थे, इस सरकार में एक वर्ष में 22,27,000 घर बने, 22 लाख। नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन एक महीने में 8,017 घर बने, हमारी योजना से 13,530 घर बने, रेलवे पहले ब्रॉड गेज रेलवे का कमीशनिंग एक साल में 1500 किलोमीटर हुआ करता था, पिछले साल ये बढ़कर के 1500 किलोमीटर से सामने 3000 किलोमीटर डबल, और हम 3500 किलोमीटर तक, और इसलिए ये परिणाम अचानक नहीं आए, योजनाबद्ध तरीके से हर पल हर चीज का मॉनिटर करते 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 यही लोग यही कानून यही मुलाजिम यही फाइल यही माहौल उसके बाद भी बदलाव लाने में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, और ये अचानक नहीं होता है, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै, उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुगा, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं ना कि मनोरथों से, सोए हुए सिंह के मुख में
हिरण आकर से प्रवेश नहीं करता है, उसको भी शिकार करना पड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मूलभूत परिवर्तन कैसे आते हैं? हम जानते हैं कि राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिस्कॉम सारे राज्य संकट में हैं। कभी तो हिंदुस्तान में लाल किले पर से इसकी चिंता की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, इतनी हद तक ये हालत बिगड़ी हुई थी। पिछले 2 साल में बिजली उत्पादन में क्षमता बढ़ी, कन्वेंशनल एनर्जी उसको जोड़ा गया, ट्रांसमिशन लाइन उसको बढ़ाया गया, सोलर एनर्जी को जोड़ लाया गया। 2014 में 2700 मेगावाट थे, आज हम उसको 9100 मेगावाट पहुंचा दिए। सबसे बड़ी बात डिस्कॉम योजना के कारण, उदय योजना के तहत राज्यों को उस योजना जब वो सफल कर पाएंगे, करीब करीब 1,60,000 से ज़्यादा रकम राज्यों की तिजोरी में बचने वाली है। और राज्यों के साथ जोड़ करके अगर भारत सरकार ने 1,60,000 की घोषणा कर दी होती तो चारों तरफ कहते कि वाह मोदी सरकार ने इतना पैसा दिया। हमने योजना ऐसी बनाई कि राज्यों के खजाने में 1,60,000 करोड़ रुपया डिस्कॉम के द्वारा, उदय योजना के द्वारा बचत होने वाली है, जो उनके लिए विकास के काम आने वाली है और ऊर्जा क्षेत्र का जो बोझ है उस बोझ से वो बचने वाले हैं।